हाय गाइस, वेलकम टू आओ बातें करें। पूजा हियर। पूजा, चाहे आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें या ये पॉडकास्ट पे सुने, आज इज एन एस्ट्रो वीडियो। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जुपिटर। जुपिटर हैज शिफ्टेड इनटू टॉरस। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरा ये चार्ट देख सकते हैं। तो अगर आप चार्ट देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आता है। तो यू कैन हियर इट वंस इफ यू वांट, एंड फॉर रेफरेंस आप चार्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं जुपिटर का एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। सो जुपिटर इज अ पॉजिटिव प्लैनेट। अगर हम नेगेटिव प्लैनेट या पॉजिटिव मेलिफिक एंड बेनिफिक्स अगर मानते हैं, तो इट इज अ बेनिफिशरी प्लैनेट एंड जुपिटर इज अ पॉजिटिव प्लैनेट। ठीक है, जुपिटर अपना एक साल खत्म करने के लिए ओवर ऑल द 12 साइंस उसको लगता है 12 साल, 12 से 13 साल उसको लगता है पूरे अपना एक चक्कर खत्म करने के लिए। तो लास्ट ईयर मई में उसने अपना पुराना 12 साल का चक्कर खत्म किया। उस पर हम और बात करेंगे आपके राइट से कैसे रिलेटेड है, उस वो मैं किसी और वीडियो पे करूंगी। आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स हियर ऑल टूगेदर। तो लास्ट मई 2022 में पहली बार जुपिटर ने अपना नया साइकिल शुरू किया एंड जुपिटर एंटर्ड एरीज। ठीक है, और इसके बाद एक साल बाद जो अभी मई 16 को इट हैज एंटर्ड टॉरस, अगला मई इट इज गोइंग टू एंटर जेमिनाई। सो एक साल का देर इज अ साइकिल कि वो हर घर में 12 के 12 घर, 12 साढ़े 12 साल लगते हैं, कभी आगे पीछे 1-2 महीना 1-2 महीना, बट इतने बड़े टर्म 12 साल में 2-4 महीने इधर उधर का कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं मिलता लगता। सो इट टेक्स अ फुल 12 ईयर साइकिल टू बी पर्टिकुलर। ठीक है, सो जो भी एरी अभी मैं जो भी घर बताऊंगी इट विल बी एरीज और टॉरस असेंडेंट। आप अपना राइजिंग साइन या असेंडेंट से देख सकते हैं, मैं उससे आपको समझाऊंगी, उसके बारे में हम कोई और वीडियो करेंगे। ओके, सो आप अज्यूमिंग यू आर ऑलरेडी नो कि असेंडेंट क्या है और सन साइन क्या है और मून का साइन क्या है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ टॉरस। तो यहाँ देखिए, ये मैं चार्ट आपको दिखा रही हूँ। जुपिटर एंटर्स टॉरस, यहाँ आपको दिखाई दे, अगर आपका असेंडेंट मतलब द मेन स्टार्टिंग ऑफ द चार्ट इज टॉरस, तो आपका राइजिंग साइन इज टॉरस विच इज रूल्ड बाय वीनस एंड योर असेंडेंट इज कॉल्ड टॉरस। तो मतलब जुपिटर आपके फर्स्ट घर में जा रहा है। आप इतना याद रखिए कि पहला घर में जा रहा है। फिर इफेक्ट, और इस वक्त देखो इस पहले घर में कितना कुछ हो रहा है। इफ इट इज योर फर्स्ट हाउस, तो आपको आपका अपियरेंस, आपका हेल्थ, आपका सोचने का तरीका, आपका चाहने का तरीका, वो सब पे इफेक्ट होने वाला है। सो दैट इज योर फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो ये अगले एक साल आपके फर्स्ट हाउस में रहने वाला है। सो अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो अगले एक साल आपको लगेगा कि शायद आप अपना ड्रेसिंग सेंस स्टाइल बदल दे। यू विल बाय जो भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, शायद आप ज्यादा साड़ी पहनने लग जाए, शायद ज्यादा सलवार सूट, शायद ज्यादा जीन्स पहनने लग जाए, वेस्टर्न पहनने लग जाए, जो भी आपका, शायद आपका आपका हेयर कलर बदली कर दे, शायद आप कर्ल्स करा ले, पर्म्स करा ले, जो भी हो। तो जुपिटर इन एवरी वे इज गोइंग टू अफेक्ट योर फर्स्ट हाउस, और जुपिटर जहां भी जाता है वो चीज को वो बड़ा करता है। ओके, सो सिर्फ जुपिटर के साथ साथ बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं साथ में टू चेंज आर लाइव्स इन अ बिग वे, बट जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपैंड। तो आपका वेट भी एक्सपैंड हो सकता है। देर कैन बी प्रेगनेंसी और इन जनरल देर कैन बी वेट गेन। तो अगर आपको, अगर आपके पहले घर में गया है तो आपको अपने वजन नहीं बढ़ाना है, तो वेट गेन हो सकता है इन द फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस इज मी माई सेल्फ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है। तो दिस इज ऑल गोइंग टू चेंज एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ इतने सारी चीजें हैं, इस पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज हियर देर इज जुपिटर, देर इज सन, देर इज यूरेनस। यूरेनस करीबन 6-8 साल यहाँ है, एंड देर इज मर्क्यूरी। नोड्स भी हमारे शिफ्ट हो रहे हैं, जुलाई 23 तक हमारे नोड्स शिफ्ट हो जाएंगे, इट विल गो इन एरीज
एंड लीब्रा, ठीक है। तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, तो ये अगले 2 महीने आपको बहुत ही उसका प्रीव्यू दिखने लगेगा, बिकॉज जो भी साइन आगे जाता है वो वापस पीछे भी जाता है, देयर इज अ रेट्रोग्रेड आल्सो। तो इन जनरल अगर आपका टॉरस राइजिंग, इफ यू आर अ टॉरस राइजिंग, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर फर्स्ट हाउस। सेकेंड, इफ यू आर एन एरीज राइजिंग, तो दिस इज गोइंग टू गो इन योर सेकेंड हाउस, एंड सेकेंड हाउस इज मनी, वेल्थ, प्रायोरिटी। मतलब आपका शायद बिजनेस अगर है वो बढ़ेगा, अगर आपको कुछ खरीदना है इस टाइम, आप शायद कोई घर खरीदो, कोई बंगला खरीदो, कोई अपना दुकान खरीदो, आपका एक्सपेंशन ऑफ पैसा होगा। पर इस पे आपने अगर ऑलरेडी मेहनत की हुई है, जादू नहीं होता है, अगर आपने अपना कर्मा किया है, अपना मेहनत किया है, तो इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो देन 1 ईयर वो आपका सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस इज ऑल्सो जो आपको प्यारे हैं। मे बी ये सेकेंड हाउस में आपको पता चले कि यार मेरे को ना ये दोस्तों से बात नहीं करनी, मुझे नए दोस्त चाहिए, या ये जॉब में मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नया जॉब चाहिए। सो एनीथिंग जो आपके लिए प्रायोरिटी है, जो आपके लिए प्यारा है, उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देने लगी। किसी को प्रायोरिटीज घूमना, वर्ल्ड ट्रैवल, तो वो भी दिखाई देना होगा। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज योर सेकेंड हाउस, इज द हाउस ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये हो गया एरीज का। थर्ड, पाइसिस, अगर आपका राइजिंग साइन पाइसिस है, तो जुपिटर इज गोइंग इन योर थर्ड हाउस। वो सेकेंड हाउस से आके गुजर चुका है, अभी वो आपके थर्ड हाउस में जा रहा है। थर्ड हाउस इज सिबलिंग, आपके भाई बहनों के साथ शायद किसी की शादी है, कोई एक्सपेंशन है, आपके घर में कोई आ रहा है, आपके नेफ्यू नीस हो रहे हैं, आपके भाभी भैया की शादी हो रही है, आपकी दीदी की शादी हो रही है। सो यू आर गेटिंग न्यू फैमिली मेंबर्स। दिस इज ऑल्सो आपका आसपास, शायद आप अपना लोकैलिटी बदल रहे हो, शायद आप बड़ा घर ले रहे हो। सो थर्ड हाउस इज मोर ऑफ कम्युनिकेशन, शायद आपको एक किताब लिखनी थी, ये 1 साल में आप लिख के रिलीज कर दो, शायद आपको एक पॉडकास्ट बनाना है। तो थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपको ध्यान में एक आइडिया आ जाएगा कि अगले 1 साल आपका थर्ड हाउस पे इफेक्ट होने वाला है। देन अगर आप अक्वेरियस राइजिंग है, ठीक है, ये अगर आपका राइजिंग साइन है, तो 1, 2, 3, 4, देन टॉरस इज योर फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस इज मॉम, माँ, घर। तो शायद आप अपने घर में इंटीरियर करा रहे हो, शायद आप अपना नया घर ले रहे हो, शायद आप अपना बड़ा घर ले रहे हो, शायद आप शिफ्ट कर रहे हो। तो इस 1 साल भर में आप घर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। शायद आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, मे बी योर वाइफ इज गेटिंग प्रेग्नेंट, सो होम, किड्स, ग्रोथ, मदरहुड, शायद आपके माँ के लाइफ में चेंजेस आए, शायद आपके सास के लाइफ में चेंजेस आए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा, देर इज अ चेंज एंड शिफ्ट इन योर फोर्थ हाउस, ठीक है। अगर आप केप्रिकॉर्न असेंडेंट हो और द राइजिंग साइन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपके फिफ्थ हाउस में आता है। फिफ्थ हाउस इज किड्स, तो मे बी आपके बच्चों के लाइफ में फर्क पड़ रहा है, मे बी यू आर हैविंग किड्स, एंड इट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी, फन। आपके लिए फन क्या है? आपके लिए ड्रॉइंग करना फन है, आपके लिए क्रूज पे जाना फन है, आपके लिए आई डोंट नो शॉपिंग करना फन है, या कोई पैशन, आपका कोई पैशन, आप उसको एनकरेज कर रहे हो। शायद आपने बहुत साल कुछ ड्राइंग किए, पेंटिंग किए, इस टाइम यू आर कीपिंग एन एग्जीबिशन। सो दिस इज फिफ्थ हाउस, इज द हाउस ऑफ फन एंड किड्स। सो वो उसमें आपका एक्सपेंशन होने वाला है। तो ऑलरेडी अगर आपने इस पे काम किया है, होमवर्क किया है, सो यू आर गोइंग टू सी योर एक्सपेंशन इन योर फिफ्थ हाउस, ठीक है। अगर आप सैजिटेरियस इज योर राइजिंग साइन, सो टॉरस इज कमिंग इन योर सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज हेल्थ, हेल्थ एंड योर वर्क। तो आपकी जॉब पे और हेल्थ पे असर होगा, उस पे ग्रोथ भी हो सकती है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज, तो वो उसमें बड़ा हो जाएगा वो प्रॉब्लम, ताकि आप उस पे कुछ सॉल्व कर सको, क्लियरली दिखाई देगा, क्लियरली आप स्टेप्स ले सकते हो, कोई प्रमोशन भी मिल सकता है कोई। सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, एक्सपैंडिंग और सामने आना इन रिलेटेड टू योर हेल्थ एज वेल एज आपका वर्क, जो आपका 9 to 5 वर्क है, जो आपका जॉब है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आपका स्कॉर्पियो है राइजिंग साइन,
सो टॉरस कम्स इन योर सेवेंथ हाउस. अभी सेवेंथ हाउस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, सारे हाउस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ योर रिलेशनशिप्स, हाउस ऑफ योर ओपन एनिमीज. तो शायद आपकी शादी हो रही है, शायद आपका एंगेजमेंट हो रहा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि, एंड अगर आपका डिवोर्स या सेपरेशन हो रहा है वो भी बढ़ चढ़ के पता चलेगा, वो भी अभी आप छुपाओगे नहीं, यू विल बी मोर वोकल अबाउट इट. तो सेवेंथ हाउस इज, इसीलिए इसको रिलेशनशिप हाउस भी बोलते हैं और ओपन एनिमीज, क्योंकि जो आपकी जिससे शादी हुई है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है जब आप डिवोर्स ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसको सारे आपकी आदतें पता है, सारे आपके राज पता है. सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो आगे की बात है, बट स्कॉर्पियो वालों के लिए इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर सेवेंथ हाउस. इफ यू आर लीब्रा, अगर आपका सन साइन राइजिंग साइन इज लीब्रा, देन इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर एर्थ हाउस. तो आपका एर्थ हाउस इफेक्ट होगा यहां से. तो एर्थ हाउस इज टैक्स, एर्थ हाउस इज इनहेरिटेंस, एर्थ हाउस इज सेपरेशन ब्रेकअप एंड ऑल दीज थिंग्स. तो शायद आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, शायद मैंने जैसे बोला कि मैरिज के बाद का जो सिचुएशन ब्रेकअप हो, शायद आप अपना कोई बिजनेस को साथ पार्टनर से झगड़ा होके अलग हो जाए, तो जो भी आपको ऑलरेडी कुछ चीज परेशान हो रही है ना, एर्थ हाउस उसको पूरा तोड़ तड़ा के क्लियर कर देगा. तो जुपिटर वो चीज अच्छी चीज भी बड़ी करता है, कुछ गड़बड़ चीज है वो भी बड़ी करके इतना बड़ा कर देगा, सफेद हाथी जैसे के होता है ना कमरे में, यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू टैकल इट. तो उसको आप अनसुनी नहीं कर सकते. एंड दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ टैरो, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी. तो उसपे भी शायद आप सीख रहे हो, शायद आप वीडियो देख रहे हो, शायद आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो शायद मे बी यू गेट अ रीडिंग डन, मे बी आप एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपको अपने बारे में बहुत सारे सवाल हैं. आई ऑल्सो डू अ पर्सनल रीडिंग ऑफ टैरो एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी, तो वो भी आप मेरे ऑफिशियल नंबर पे पूछ सकते हैं. सो दिस इज फॉर लीब्रा, ठीक है. अगर आपका असेंडेंट साइन इज वर्गो, तो वर्गो के लिए आपका ये आ गया नाइन्थ हाउस, ये आपके नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस इज ट्रैवल, नाइन्थ हाउस इज फॉरेन, नाइन्थ हाउस इज पढ़ाई. तो शायद आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, शायद आप एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, शायद आप पीएचडी कर रहे हो, शायद आप ट्रैवल कर रहे हो, शायद जॉब के लिए आपको प्रमोशन हुआ है बाहर वाला किसी स्टेट का. तो दिस इज ट्रैवल, तो ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रैवल. अगर आपने ऑलरेडी इस पे सोचा हुआ है, आपका ऑफिस ऑलरेडी बोल रहा है जाना है जाना है, शायद नहीं आप नहीं तो कोई और, तो ये बहुत बड़ा चांस है कि वर्गो वालों आप लोगों को आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करने का चांस मिल सकता है, ठीक है. एंड इफ इट्स लियो, देन इट इज योर टेंथ हाउस. तो टेंथ हाउस इज करियर एंड टेंथ हाउस इज फादर. सो फादर रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो आपके फादर के लाइफ में चेंज हो सकता है, यू कैन बी योर फादर. एंड करियर, आपका करियर में बूस्ट हो सकता है, आपका करियर बढ़ सकता है, या आप करियर शुरू कर सकते हो, कि कुछ भी चीज बड़े होने के लिए पहले आपको शुरू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड इफ यू आर कैंसर असेंडेंट, तो ये आपके इलेवेंथ हाउस में आता है. इलेवेंथ हाउस इज ग्रुप्स, कम्युनिटीज, तो ये सारी चीजों में शायद आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बढ़ जाएं, शायद आपको जो पसंद नहीं हो वो ग्रुप्स आप हटा दें, शायद आप यू स्टार्ट अ न्यू प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया पे, आप अपना कोई हैंडल शुरू करो. सो और फिजिकली कोई ग्रुप्स आप ज्वाइन करो या छोड़ दो, कोई नए हॉबीज आप ज्वाइन करो. सो कैंसर के लिए इट इज योर इलेवेंथ हाउस. एंड लास्ट इज जेमिनाय, तो अगर आप जेमिनाय राइजिंग है, सो दिस कम्स इन योर ट्वेल्थ हाउस. ट्वेल्थ हाउस इज लॉट ऑफ एंडिंग्स, तो ये आपको जो भी आपको एंड करना है ना उसमें आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो पूरी तरह से दिखना चाहिए. तो कोई प्रॉब्लम जो आप छुपाना चाहते हो या अंडर द कार्पेट डाल रहे हो, वो आपको इतनी बड़ी होकर दिखाई देगी कि आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा. सो मे बी यू विल बी शिफ्टिंग जॉब्स, मे बी आपको मेडिटेशन करना है, और आप बोलो एक साल में छुट्टी ले रहा हूँ या छह महीने ब्रेक ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हरिद्वार और मैं वहां रिलैक्स करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू सम आश्रम. बहुत लोग ऐसे ही ऐसे टाइम पे दे वॉन्ट टू डू समथिंग एक्सक्लूसिव, मे बी आप बिहाइंड द सीन्स कुछ अपना किताब लिखना चाहो इसलिए छुट्टी ले लो. सो बहुत सारी चीजें जो बिहाइंड द सीन्स है
वो होंगी आपके साथ इन द 12th हाउस। सो आई होप ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दिया है, चाहे आप ये पॉडकास्ट में सुने चाहे आप ये वीडियो में सुने। मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप ये पॉडकास्ट में भी सुन रहे हैं, यू कैन हियर इट अगेन, सेव इट एंड चेक द वीडियो, क्योंकि वीडियो में आपको चीज सामने से दिखाई देगी तो क्लैरिटी होगी। और ऑलरेडी अगर आप बहुत अच्छे हैं एस्ट्रोलॉजी में तो सुन के भी आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, देन यू डोंट हैव टू सी अ विजुअल। सो डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि आप बेबी एस्ट्रोलॉजर हैं या सिर्फ शौक के लिए सुनते हैं, और यू आर रियली गुड और इस काफी साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सी यू अगेन ऑन अनदर लाइव ऑन अनदर वीडियो। तब तक आप फॉलो कीजिए, बिकॉज टू ज्वाइन माई लाइव ऑल्सो जो 24 आवर्स से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स है वो ही कॉमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपको लाइव पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो फॉलो माई प्लेटफॉर्म, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे आओ बातें करें .com या टैप लिंक आओ बातें करें पे। ओके, सो सी यू सून, लव यू ऑल, दिस इज पूजा हियर साइनिंग ऑफ विथ लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस। टेक केयर, बाय बाय।